Hello everyone, this is Hina and welcome back to my channel. I'm starting a series of lectures on Hindu Marriage Act in which we are going to discuss the provisions of HMA one by one in different lectures. So let's get started. Hindu Marriage Act ke andar jo provisions di gayi hain usme ek valid marriage ke liye kya sanctions chahiye wo diya gaya hai. Void marriages kaun si hoti hain, voidable marriages kaun si hoti hain, unki consequences kya hongi uske bare mein diya gaya hai. फिर मैरिटल रिलीफ के बारे में बात की गई है. सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दिया है. देन जुडिशियल सेपरेशन, देन डाइवोर्स. तो ये उनके क्या ग्राउंड्स होंगे, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सब एचएमए में दिया गया है. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट. यानी ये जो एक्ट है ये किन किन लोगों पर अप्लाई होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये एक्ट अप्लाई होता है टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन. किसी भी फॉर्म में वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज, किसी भी फॉर्म में आप अगर हिंदू हैं तो ये एक्ट आप पे अप्लाई होगा. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, इफ यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन. सबसे पहले क्या है, अगर आप हिंदू हैं तो ऑब्वियसली आप पे एक्ट अप्लाई होगा. दूसरा, अगर आप बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और सिख हैं तो भी आप पे ये एक्ट अप्लाई होगा. और तीसरा, इफ यू आर डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी, अगर आप इंडियन टेरिटरी में रहते हैं और आप मुस्लिम नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी और जू नहीं है. सो इफ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दीज फोर रिलीजन्स एंड यू आर डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो भी आप पे ये एक्ट अप्लाई होगा. ओके, सो यू विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, बट प्रोवाइडेड यू आर नॉट अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दीज फोर रिलीजन्स. ओके, तो एप्लीकेशन किस पे है? सबसे पहले अगर आप हिंदू हैं बाय रिलीजन आप पे एक्ट अप्लाई होगा. दूसरा, आप बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं बाय रिलीजन तो भी आप पे एक्ट अप्लाई होगा. थर्ड, that you are domiciled in the territory, आप इंडियन टेरिटरी में रहते हैं और आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू नहीं है, इन चारों रिलीजन में आप बिलोंग नहीं करते तो भी ये एक्ट आप पे अप्लाई होगा. बाई डिफॉल्ट दिस एक्ट विल बी अप्लाइड ऑन यू. ठीक है, सो ऑल दीज पीपल विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि किन को हम लोग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख मानेंगे. सब फर्स्ट, एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, डजंट मैटर कि आप लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं. अगर आपके दोनों पेरेंट्स, इफ बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख बाय रिलीजन. ठीक है, तो अगर आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो अगर हिंदू हैं तो आप बाय बर्थ द चाइल्ड विल आल्सो बी अ हिंदू. तो यहाँ पे जो रिलीजन का डिटर्मिनेशन है इस केस में वो कब हो जाएगा, बाय बर्थ ही हो जाएगा. जैसे ही अगर आपके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या सिख हैं या जैन हैं तो आपका बाय बर्थ रिलीजन डिटरमाइन हो जाएगा, दैट इज हिंदू. सेकेंड कंडीशन, एनी चाइल्ड वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, दोनों ही चाइल्ड बच्चों को यहाँ पे कवर किया है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों ही. अगर वन ऑफ हिज पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख, दूसरे किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं बट वन ऑफ द पेरेंट्स इज आइदर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, और जो चाइल्ड है द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी है जिसमें ए हिंदू है और बी क्रिश्चियन है, और इनका जो चाइल्ड है सी, यहाँ पे वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ हिंदू, तो जो सी है उसकी परवरिश कैसे हुई है, हाउ द चाइल्ड इज ब्रॉट अप, वो डिटरमाइन करेगा उसका रिलीजन. ओके, जैसे एक फेमस केस भी है इंदिरा गांधी वर्सेस मेनका गांधी. यहाँ पे संजय गांधी के रिलीजन को लेकर क्वेश्चन उठा था उनकी डेथ के बाद. तो इंदिरा गांधी वॉज अ हिंदू एंड उन्होंने एक पारसी से शादी की थी,
लेकिन संजय गांधी वॉज ब्रॉट अप ओपनली एज अ हिंदू, तो संजय गांधी का जो रिलीजन था वो कोर्ट ने डिटरमाइन किया था दैट ही वॉज अ हिंदू. तो यहाँ पे जो चाइल्ड होता है इन दिस केस वेयर वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ हिंदू, वहां पे रिलीजन कब डिटरमाइन होता है? अकॉर्डिंग टू द अपब्रिंगिंग ऑफ दैट चाइल्ड. फर्स्ट वाले केस में बाय बर्थ ही डिटरमाइन हो जाता है व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू. लेकिन सेकंड केस में जब वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, उस केस में जो चाइल्ड है उसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से की गई है दैट थिंग विल डिटरमाइन द रिलीजन ऑफ दैट चाइल्ड. Last is this, any person who is a convert or reconvert to Hindu, Buddhist, Jain or Sikh religion. Convert, for example, A है, वो मुस्लिम है और वो कन्वर्ट हो जाता है टू एनी ऑफ दीज, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख में से किसी भी रिलीजन में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो A के ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा. HMA कि जो प्रोविजंस हैं वो ए पे भी अप्लाई होंगे. ये तो कन्वर्ट हो गया. रीकन्वर्ट कौन होता है? मान लीजिए बी है जो हिंदू था, बाय बर्थ हिंदू था, बट वो कन्वर्ट हो गया इस्लाम में और बाद में दोबारा रीकन्वर्ट हो गया हिंदुइज्म में, हिंदू में, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, किसी भी रिलीजन में रीकन्वर्ट हो गया तो अब भी बी पे एचएमए की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. ओके, तो इन सारी कंडीशंस में ये एक्ट की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगी ऑन ऑल दीज पीपल. अब देखते हैं ये एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होगा. सबसे पहले किस पे नहीं होगा? हु हैव रेनाउंस्ड द हिंदू रिलीजन एंड हैव बिकम कन्वर्ट टू सम अदर रिलीजन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ए है, वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी उसने अडॉप्ट कर ली है, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, तो ए के ऊपर अब एचएमए की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, नॉट एप्लीकेबल. सेकंड, हुआ है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बाय रिलीजन. ठीक है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और जूज जो हैं उनकी अपनी पर्सनल लॉज हैं और उन वहां पे मैरिजेस जो होती है वो उन लॉज से गवर्न होती है, तो इसलिए उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा. थर्ड, वो चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनके वन ऑफ द पेरेंट्स वॉज नॉट अ हिंदू और उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो भी हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं हुई है, दे हैव बीन ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्राइब और कम्युनिटी, उसके जो कस्टम्स हैं उसके हिसाब से वो बड़े हुए हैं, तो उन पे भी एचएमए एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सेक्शन टू, सब सेक्शन टू जो है वो एक्सक्लूड करता है सब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ऊपर एचएमए की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी. ठीक, क्योंकि अभी भी ट्राइबल एरियाज जो हैं उनमें जो मैरिजेस होती हैं या कुछ भी ऐसे अडॉप्शन जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो अभी भी कस्टम से डिराइव होते हैं, वो किसी लॉ के थ्रू वर्कआउट नहीं होते, उस पर कस्टम्स एप्लीकेबल होते हैं. तो अगर किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर इस एक्ट की प्रोविजंस को अप्लाई करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में वो इशू करेगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एचएमए की प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी तो ही वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी, चाहे उस ट्राइब में हिंदूज रहते हो, बट शेड्यूल ट्राइब हैज बीन प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2. ओके, तो सेक्शन 2 जो है एचएमए का वो प्रोविजंस डिस्कस करता है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट की बात होती है कि ये एक्ट किन किन लोगों पे अप्लाई होता है. ये एक्ट अप्लाई होता है हिंदूज पे, सबसे पहले तो ये जो हिंदू होंगे उन पे अप्लाई होगा. और फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट किन किन को हिंदू कंसिडर किया जाएगा? पर्सन बिलोंगिंग टू द रिलीजन ऑफ जैन, सिख, बुद्धिस्ट, उनको भी हिंदूज कंसिडर किया जाएगा. फिर चिल्ड्रन में दो तरीके हैं, इफ बोथ द पेरेंट्स आर हिंदूज और वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ हिंदू. जब दोनों पेरेंट्स हिंदू होंगे तो बाय बर्थ द चाइल्ड विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज हिंदू, बट जब वन ऑफ द पेरेंट्स अगर हिंदू होंगे तो किस
तरीके से उस बच्चे की अपब्रिंगिंग की गई है, उसको किस रिलीजन में बड़ा किया गया है, दैट विल कंसिडर एंड दैट विल डिटरमाइन द रिलीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. ठीक है, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूस एंड पारसीज, बिकॉज इन लोगों की अपनी पर्सनल लॉज हैं जो मैरिज या अडॉप्शन, जो भी पर्सनल मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजंस इनकी पर्सनल लॉज में दिए हैं और वही अप्लाई होते हैं. तो सेक्शन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट हु ऑल विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू. सो यू विल फाइंड योर आंसर इन सेक्शन 2. अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज गिवन अंडर सेक्शन 5. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल.